क्वालिटी का भरोसा चाहिए तो प्रमोद ज्वेलर्स आइए, जो लेकर आए हैं शगुन कलेक्शन का एक खूबसूरत तोहफा। हर 30,000 रुपए की खरीद पर पाइए एक लकी ड्रॉ कूपन। लकी ड्रॉ योजना में वेस्पा जीतने का सुनहरा मौका और भी कई सारे आकर्षक इनाम। जल्दी करें। प्रमोद ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगणा रोड, नागपुर, TNC अप्लाई। मुस्लिम समुदाय में सबसे पाक और रहमतों का महीना रमजान को माना गया है, जहां मुसलमान भाई मानते हैं कि यह महीना अल्लाह को राजी करने का महीना है। जो दिन पर रोजा रखकर अपना फर्ज और इबादत अदा करते हैं, जिसके चलते हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ट्रस्ट की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि मुसलमान समुदाय के लिए रमजान का महीना सबसे ज्यादा अहम होता है। इस महीने में तमाम मुसलमान समाज रोजा रखते हैं, जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। महीने के 30 दिन तक रोजे रखे जाते हैं। सुबह सवेरे से लेकर शाम सूरज डूबने तक बिना कुछ खाए पिए रोजा रखा जाता है। रोजा रखने के लिए सूरज निकलने के पहले खाते हैं, जिसे सहरी कहते हैं। सहरी का वक्त सूरज निकलने से पहले होता है और सुबह फज्र की अजान होने पर खत्म हो जाता है। इस तरह सुबह फज्र की नमाज के साथ रोजा शुरू होता है और सूरज डूबने तक यानी शाम को मगरिब की अजान होने पर रोजा खोला जाता है। इस्लामिक धर्म गुरु का कहना है कि सहरी फर्ज नहीं है बल्कि सुन्नत है। मतलब अगर सहरी करके रोजा रखा जाता है तो सवाब मिलता है, लेकिन अगर किसी वजह से आप सहरी नहीं कर पाते हैं, यानी आप सुबह में उठकर कुछ खा नहीं पाते हैं, तो तभी आप रोजा रख सकते हैं। इस्लामिक किताबों में लिखा गया है कि सहरी खाने वालों पर अल्लाह रहमत फरमाते हैं। अल्लाह के फरिश्ते सहरी करने वालों के लिए माफी की दुआएं मांगते हैं और सहरी की खाना यकीनन अन्य दिनों से अलग मतलब अल्लाह की रहमतों से भरा होता है। कुछ इसी महत्व को उजागर करते हुए हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ट्रस्ट की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, जो रमजान के पूरे महीने चलता है और इस मौके पर बच्चे, बूढ़े, महिला, युवा सभी इफ्तार का आनंद लेते हैं और अपना रोजा खोलते हैं। उसी तरह 19वें रोजे के मौके पर सभी ने रोजा खोलते हुए मगरिब की नमाज पढ़ी। दर्शकों, मुस्लिम भाइयों का पाक महीना है रमज़ान और रमज़ान को शुरुआत हो चुकी है। सभी मुस्लिम भाई जो है दिन भर भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी संकल्पना के तहत जो है इफ्तार पार्टी का भी आयोजन विभिन्न जगहों पर होता है। इसी परिपेक्ष्य में, उसी संकल्पना के तहत जो है हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आज जो है 19वें रोजे के उपलक्ष्य में आज यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जहाँ की कई जो है लोगों ने इफ्तार का लुत्फ़ उठाया। साथ ही साथ बोल सकते हैं इफ्तार लेकर जो है अल्लाह की जो है इबादत की, साथ ही साथ यहाँ जो है इफ्तार के साथ अपना रोजा खोला। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ट्रस्ट के साथ ही रोजेदारों की सेवा का फर्ज अदा करते हुए हजरत बाबा मखदूम मोहम्मद सफ़ीर रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीं सैयद एफास अली कादरी ताजी द्वारा भी इफ्तार का आयोजन किया गया था, जहां उन्होंने इस विषय में जानकारी दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हजरत बाबा मखदूम मोहम्मद शफी कादरी ताजी रहमतुल्लाह अलैह का सज्जादा नशीन सैयद एफास अली कादरी ताजी मैं हजरत बाबा मखदूम मोहम्मद शफी कादरी ताजी रहमतुल्लाह अलैह का आज 19वां रोजा की अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया। हम लोग हर रोज़ हजरत हुजूर गौसुल आज़म पिराने पीर दस्तगीर का जश्न आमद गौसे आज़म एक रमज़ान को मनाते हैं और जब से रोज़ाना अफ्तारी का इंतज़ाम करते और रोज़ाना लंगर तकसीम करते हैं हजरत शफी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में। गौरतलब है कि रमजान के मौके पर देश के कई कोनों से लोग हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इबादत और जियारत के लिए आते हैं, जहां हकीकतमंदों ने खुद को खुश नसीब समझा क्योंकि आज उन्होंने बाबा जान की रहमत में इफ्तार कर रोजा खोला। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक रोजदार जो यहाँ जो है नमाज पढ़कर आए हैं और इफ्तार पार्टी कर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको, पवित्र जो है रमजान महीने की हार्दिक शुभकामनाएं, क्या कहना चाहेंगे हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ट्रस्ट और जो है यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, क्या बताना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर और यहाँ मैं भी यहाँ का लोकल का नहीं हूँ, मैं भोपाल से आया हूँ और यहाँ पर सभी का व्यवहार एक बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों का नेचर बहुत अच्छा है और ताजुद्दीन बाबा एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनके बारे में मैं अपनी ज़ुबान से तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ और वो तमाम तारीफ़ों के काबिल हैं। क्या बताना चाहेंगे, पवित्र महीना रमज़ान चल रहा है, रहमत का महीना है, मगफरत का महीना है, जितनी इबादत हो सके उतनी इबादत करें
ये महीने में अल्लाह को राज़ी करने का महीना है ये। और दर्शकों, जिस प्रकार से हमने सुना, रोज़दार ने बताया है, जो यहाँ की जो यहाँ मौजूद थे हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की करिश्मा में जो है उन्होंने आज जो है इफ्तार पार्टी की है। साथ ही साथ एक और रोज़दार हमारे साथ मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे सर, आपने आज यहाँ इफ्तार पार्टी कर रोज़ा खोला है आपका, क्या बताना चाहेंगे हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जो है कृपा में? नहीं, मैं तो बॉम्बे से आया हूँ, पहली बार आया हूँ, बड़ी तमन्ना थी आने की और काफ़ी इच्छा लेके यहाँ पे आया हूँ। मैं बाबा के बारे में बहुत कुछ जानता था, आज यहाँ मैं पहुँचा, रोज़ा इफ्तार किया यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इस तरह का जो नज़ारा देखने को मिला, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा नज़ारा मुझे यहाँ पे मिला है। गरीब नवाज़ की शान अलग है, वहाँ का नज़ारा अलग है, लेकिन ये एक महाराष्ट्र के अंदर ही अपने आप में एक ऐतिहासिक मसला, यहाँ का मामला जो है बहुत बेहतरीन मसला है। दर्शकों, साथ ही साथ कुछ और रोज़दार हमारे साथ मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे सर, रोज़ा इफ्तार कर आए हैं आप हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से? सरकार ताजुल औलिया के अंदर में बहुत दूर दूर से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं और यहाँ पर परंपरा है कि कई ज़माने से मस्जिद के अंदर में तरावी वगैरह होती है, बाहर से इमाम साहब आते और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तरावी पढ़ाते हैं और यहाँ पर तमाम जितने भी बाहर से भी यानी दूर दराज से भी यहाँ तरावी अदा करने के लिए आते हैं। बाबा जान के अंदर में मेन बात की ये बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद है, इसमें अकीदा लेके आते हैं, नमाज़ यहाँ अदा करते हैं, उसके बाद में बाबा की ज़ियारत करते और फिर रोज़दार अपने घर जाता है। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, दूर दूर से, मुंबई से, कोई भोपाल से, तो जो है यहाँ हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की रहमत पाने के लिए यहाँ लोग आए हैं और पवित्र महीना रमज़ान चल रहा है, जिसके चलते रोज़ यहाँ जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है और कई जो है रोज़दार यहाँ अपनी इफ्तार खोलते हैं, साथ ही साथ इफ्तार पार्टी के साथ अपना रोज़ा खोलते हैं। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा, कृपा का महीना है ये, रहमत का महीना है, रहमत का महीना इसमें इसे बोला जाता है इस्लाम में और इस्लामी संस्कृति में इसे काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो दर्शकों, इस देखते हैं आगे किस प्रकार से जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन यहाँ होता रहता है, तो किस प्रकार से जो है अल्लाह की रहमत जो है सभी पर पड़ती है और यकीनन अल्लाह की जो है रहमत सभी पर बरसेगी। इसी शुभकामना के साथ सभी को रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएँ, सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC न्यूज़ के लिए नागपुर।